राजनांद गांव में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर पुनर्वास नीति का लाभ देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने नक्सली लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने उनके परिजनों के सदस्यों की भी हत्या की है, जिसके चलते वे लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। वहीं मामले में जिला कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य का कहना है कि पुनर्वास नीति के तहत दिए जाने वाले लाभ से हटकर भी इन परिवारों की कुछ मांग है, जिसके लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। मेरे पिताजी को 2006 में नक्सली द्वारा हत्या कर दिया गया था, जिसकी हत्या के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन का नक्सल विरोधी पुनर्वास कार्य योजना के तहत जो सुविधा हमें देना चाहिए तो अभी तक आप मतलब मिला नहीं है, जिसके लिए हमने समय समय पर कलेक्टर राजनांदगांव SP मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को लेटर दिए इसके संबंध में। लोग नक्सल पीड़ित हैं, हमारे समस्या बहुत ज़्यादा है सर, और जो अटल आवास मिलना था वो अभी तक के नहीं मिला है हमको, और जो मुआवजा मिलना था वो भी नहीं मिला है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए छात्रवृत्ति जो फीस जो समस्या होते जा रहा है सर, हम लोग को सब चीज़ मिल तो उस पर रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी किया है, जिसमें 7 हमारे जो है चेक पोस्ट बने हुए हैं, 2 फ्लाइंग स्क्वाड का टीम बना हुआ है, इसके अलावा सभी SDM नायब तहसीलदार कोटवार सबको हमने एक्टिव किया है, और लगातार ये कार्रवाई अभी चल रही है और ये पूरे धान खरीदी के दौरान जारी रहेगी। हमारा मुख्य मकसद ये है कि किसानों का ही जेन्युइन धान खरीदा जाए।